दिसंबर से होंगे नगर निकाय चुनाव। 18 नवंबर को निकाय चुनाव की मतदाता सूची का किया जाएगा अंतिम प्रकाशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ग्रेटर नोएडा दौरा, 1600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जनता को दी बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे की कटौती। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की अपनाई गई रणनीति, चिकित्सा संस्थानों में मरीजों का दबाव भी किया जाएगा कम। आज पीएम मोदी जाएंगे मोरबी, पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। देश के स्टील मैन जमशेद जय ईरानी का निधन, 86 वर्ष की उम्र में दुनिया से कहा अलविदा। भारतीय मुद्रा धीरे धीरे हुआ मजबूत, रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 82.74 पर पहुंचा। रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध के 250 दिन हुए पूरे, पुतिन ने यूक्रेन की बिजली घरों व अन्य अधोसंरचना पर हमलों को देकर दी सफाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रंभा की कार का हुआ एक्सीडेंट, एक्ट्रेस की बेटी को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। भारतीय टीम को एक और लगा बड़ा झटका, विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक हुए चोटिल। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।